सत श्री अकाल सारे नो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो हमारे नए दिन की शुरुआत हो चुकी है अमृतसर में। ये एपिसोड नंबर 3 होने वाला है जैसे, तो मैंने आपको बताया नहीं था कि हम सब अमृतसर क्यों आए। तो जो मेन रीजन था अमृतसर आने का, तो हमने यहाँ पार्ट रखवाया था अकाल तख्त साहब में, जो गोल्डन टेम्पल बिल्कुल अपोजिट पे है। तो अकाल तख्त साहब में पार्ट रखाया था, तो वो जो स्लिप थी ना, वो उसी चीज की रसीद थी कि हाँ इन्होंने पार्ट रखाया हुआ था, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कल पिछली वीडियो में आपने देखी होगी। तो बस अभी हम सुबह 6 बजे के उठे हुए, तो रेडियो के जा रहे हैं, पार्ट रखाने का टाइम है, 8 बजने वाले, 8 बजे हमने पार्ट रखाना था। तो बस अब पार्ट रखाने जा रहे हैं, अभी जोड़ा कर जाएंगे, पहले जोड़े जमा चप्पलें जमा कराएंगे अपनी, तो फिर उसके बाद चलेंगे अंदर की तरफ। आपको बाहर से भी दर्शन कराएंगे, अंदर से भी दर्शन कराएंगे। तो इसी नोट पे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी भाई जी का वेट कर रहे हैं, भाई जी आएंगे तो यहाँ पे पार्ट रखा जाएगा। ये पूरे 3 परसों से, आज 15th है, तो ये 17th को जाके सुबह 6:30 बजे इसकी समाप्ति होगी, भोग पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद ये पार्ट स्टार्ट होगा, मुझे नहीं पता तब मैं शूट करूँगा कि नहीं करूँगा। अभी भी मैं बड़ी देर से यहाँ बैठा हूँ, बट मैंने शूट नहीं किया। तो यहाँ पे आके एक पीसफुल पीस मिलता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, मतलब मन करता है कि बंदा बैठा रहे। तो अभी पार्ट रखाते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ, लंगर वगैरह चखते हैं, तो आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम अमृतसर मार्केट आए, तो अभी हम खाने जा रहे हैं पैटी कुलचा, जो यहाँ का बड़ा फेमस है। तो रास्ता ढूंढ रहे हैं बस शास्त्री मार्केट वाली साइड पे है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊंगा जो आपको यहाँ पे डेफिनेटली आकर ट्राई करनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक मैं 4-5 आइटमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले जा रहे हैं पैटी कुलचा खाने, अमृतसर आए कुलचा ने खाया और थोड़ा डिफरेंट आएगा कुलचा। तो आइए चलिए दिखाता हूँ वो कैसे बनाता, तो नहीं दिखाऊंगा, सीधे सीधे उसके ग्लिम्स दिखाऊंगा आपको। चलिए, तो सबसे पहला हमारा स्टॉप था वो है भाई कुलवंत सिंह के कुलचे। तो अमृतसर आए कुलचा ना खाएं, तो ये हमने आलू वाला कुलचा लिया, साथ में चने और चटनी सर्व हुई है, ये खाते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। ये बिल्कुल अमृतसर मेन मार्केट में, या किसी को भी पूछोगे आपको पता चल जाएगा, जरूर ट्राई करना। अभी ये 2 मिक्स कुलचे लिए और 1 आलू वाला लिया। सुबह की ब्रेकफास्ट इसके बिना तो दूरी है, तो चाय भी हमने साथ में मंगा लिया, चाय पीते फिर निकलते अपने अगले स्टॉप की तरफ। अमृतसर की गलियों में घूमते घूमते हम अंदर आ चुके हैं, एक पैटी कुलचा जो आपको बताया था महाराजा रणजीत सिंह का, वो स्टैचू देख सकते हैं उसके बिल्कुल सामने गली में अंदर आते हैं, जो पार्किंग के सामने, पार्किंग के बिल्कुल सामने वाले जो स्टैचू है उसके अंदर आके राम कुलचा पॉइंट पे हम आए। देखते हैं पैटी कुलचा लगवाते हैं आपको, उसका टेस्ट बताते हैं, टेस्ट अच्छा ही है, बड़ा सुना उसके बारे में। तो वो खाते हैं फिर चलते हैं आगे गलियों में, अंदर अंदर ही घूमेंगे, अंदर अंदर की चीज़ें आपको बताएंगे जो जो यहाँ पे फेमस होंगे। तो ये आ गया मेरा पैटीज कुलचा, देख सकते हैं आप, ये लेफ्ट साइड में कुलचा है, ये अपग्रेडेड वर्जन है एक अमृतसरी कुलचा, इसमें कॉर्न्स है, मटर है, बहुत सारा कुलचा, आप ये जरूर ट्राई करना, बड़ा टेस्टी सा लग रहा है, साथ में चने और चटनी सर्व की है प्याज की। तो ये पैटी कुलचा हम खत्म करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं क्या खाते पीते हैं और मौज उड़ाते हैं। निकलते गलियों में से घूमते घूम फिर आते हम आ चुके हैं वैष्णो न्यूट्री कुलचा। अमृतसर का जो न्यूट्री कुलचा है ना, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है, देख सकते हैं कितना ही जबरदस्त, कितना ही बड़े क्वांटिटी में लगाया हुआ है। ये मेन कटरा जयमल सिंह मार्केट है, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे आप आके न्यूट्री कुलचा जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहले भी खाया, तो जो चीज़ें मैंने खाई हैं मुझे अच्छी लगी हुई हैं, तो मैं उन्हीं के लिए आपको कवर करने के लिए वही चीज़ें कवर कर रहा हूँ वापस। यहाँ पे खमीरे वाला कुलचा और साथ में मिलते हैं न्यूट्री कुलचा, अपनी पेट लगवाते हैं, खाते हैं फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो ये आ गई मेरी न्यूट्री कुलचे की प्लेट, तो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, चटनी है, कुलचा है, मसाला कुलचा, साथ में न्यूट्री, ख़त्म करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ।
तो उस टाइम हम वापस चले गए थे रूम में, थोड़ा सा थक गए थे तो धूप भी बढ़ी थी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, पूरी टी शर्ट वगैरह गीली हुई। तो अभी हम गुरुद्वारा साहब मथा टेक के आए हैं, दरबार साहब मथा टेक के वापस हम जा रहे हैं। ये से देखते हैं, यहाँ से हम लेफ्ट साइड गए थे, वो जो सुबह आपने नान देखा होगा, पैटीज नान। अब हम जा रहे हैं बिल्कुल सीधा आगे कटरा जयमल सिंह मार्केट, वहाँ पे एक मोमोज वाला, जब भी हम यहाँ विजिट करते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली जाके खाते हैं। तो उसके पनीर मोमोज और वेज मोमोज दोनों ही बड़े अच्छे हैं, वो खाते हैं। फिर उसके बाद आपको एक और चीज़ दिखाएंगे यहाँ पे पीछे आके, जो भी हमने सुबह से आइटम्स खाई हैं उनका भी कोई रेट ज़्यादा नहीं था, हार्डली 40-50-60 रुपीज़ की थी। तो आप ज़रूर ये ट्राई कर सकते हैं, ये सारा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यहाँ से गोल्डन टेम्पल से दरबार से सारा वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप देख सकते कितना ही सही लग रहा है। ये राइट साइड पे पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ियाँ सारी पार्क होती हैं, और यहाँ से उस साइड मार्केट और मेरे बैक साइड पे दरबार साहिब है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो हम ये कटरा जयमल सिंह मार्केट के बीच में से निकल रहे हैं, और एक चौक छोड़ के अगले चौक में वो लेफ्ट साइड पे आपको दुकान दिख रही होगी, वी जनरल स्टोर के बिल्कुल आगे एक भैया कार्ड लगाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक चौक छोड़ना है उससे अगले चौक पे ही लेफ्ट हैंड साइड 4 बजे के बाद ये कार्ड लगती है। तो इनके मोमोज बड़े ही अच्छे हैं, तो मोमोज खाते हैं फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो ये आगे हमारी पनीर मोमोज की प्लेट, दीदी खास आपको खोल के दिखाएंगे पनीर मोमो अंदर से, तो गर्म होंगे बड़े, वो देखते हैं। पनीर 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 और प्याज सिर्फ, उसके साथ चटनी सर्वी है 3 तरीके की, तो बड़े टेस्टी है, मेरी रिकमेंडेशन पे जरूर यहाँ पे आके खा सकते हैं। तो अब हम वापस वहाँ से मोमोज खा के आ गए हैं। तो ये मेरे पीछे बिल्कुल बैक साइड पे स्टैचू है, तो हम गोल्डन टेम्पल पर जिस तरफ जा रहे हैं, जैसे आप स्टैचू क्रॉस करोगे तो पहला राइट साइड अंदर लेना है, वहाँ पे गोइंका स्वीट्स है, गोइंका स्वीट्स के बिल्कुल आगे एक चौक है जहाँ पे चाट वाले लगते हैं, जलेबी वाले लगते हैं, तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। तो वहाँ पे भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। गोइंका स्वीट के आगे वाला चौक नहीं है, गोइंका स्वीट के डायगनल करके एक चौक है। हाँ जी हाँ जी। तो वो देखिए, वो गोइंका स्वीट्स है, गोइंका स्वीट्स के डायगनल कह लो, उसके अगले चौक पे कह लो, जैसे मर्जी आप कह लो, ये शॉप है बॉम्बे। तो हार चुके ना आप, हार गए। तो यहाँ पे ये शॉप है, यहाँ पे हम टिक्की खाएंगे, आप रेटिंग दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जेनुअल सिंगल टिक्की आलू पनीर वाली 25 रुपए, मतलब सबसे महंगी से शुरू हो गए, 150 तक गया, वो पता नहीं क्या ही है जो 150 का गया होगा, हाँ वो चिली पनीर चीज समथिंग लाइक दैट वो है। तो यहाँ पे ये ट्राई करते हैं, बताते हैं हम क्या क्या ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक जलेबी वाले भैया भी हैं, वो भी बड़े अच्छे हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ इसके बाद। तो ये हमारी स्पेशल आलू टिक्की वाली टिक्की आ चुकी है, आलू टिक्की वाली टिक्की आ चुकी है, वाह। तो ये टिक्की आ चुकी है, अब ये चौंक देख सकते हैं, बड़ा कुछ है यहाँ खाने पीने को, आगे पीछे अपने घुमाएंगे ना, बहुत कुछ है खाने को, आप यहाँ पे आके जरूर ट्राई कर सकते हैं। हार्डली 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है दरबार साहब से, हार्डली 5 मिनट का। ये टिक्की खत्म करते हैं, बताता हूँ अगर कुछ और खाते हैं यहाँ पे तो हम क्या खाते हैं। तो टिक्की हम खा चुके हैं, वो देख सकते हैं वहाँ पे हमने टिक्की खाई, बीके चाट भंडार, वहाँ पे राजस्थानी चाट भंडार भी है, इसके पीछे मोमोज वाले भी हैं, और ये बिल्कुल साथ में जलेबी वाले भी हैं, ये इधर नहीं बेटा, ये चूरन भी आप खा सकते हैं, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, हमारे फेवरेट है, बड़े बड़े ही मज़ेदार चूरन और आम पापड़ मिलते हैं। तो मेरे बैक साइड पे बिल्कुल जलेबी वाले भैया, अभी तो हिम्मत बची नहीं है जलेबी खाने की यहाँ पे, तो यहाँ पे जलेबी बड़ी ज़बरदस्त मिलती है, आप आए तो ज़रूर ट्राई करना, अगर मैंने कल खाई तो मैं कल आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू व्हिच मेक्स यू हैप्पी।